नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के एक से दो मिनट की वीडियो की जानकारी आप लोगों के पास तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेट में गैस जिनको बनता है उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को पेट में गैस बनता है तो अच्छा से अच्छा भोजन करना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कच्चा भागा पका भोजन जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब भी गर्मी का मौसम आए यानी तीसरा चौथा महीना से लेकर के आप लोग 5-6 महीना क्या कीजिएगा कि 50 ग्राम सतुई रोज पीजिएगा, चना का पिसवा करके 2-4 केजी धरवा दीजिएगा। उसके बाद में उसमें काला नमक डालना है, काला नमक डालिएगा और सुबह के समय में चना का जो सतुई है वो पीने के बाद में 1-2 घंटा के बाद में खाना खाइएगा, आपकी पेट की गैस की पूरी अंत हो जाएगी। और जो है वो होता है लीवर के कमजोर के कारण, तो लीवर अगर कमजोर है तो ऐसे होता है, तो उसके लिए आपको खांसी का हो या मुर्गा का मीट जरूर खाइएगा। और गाय का दूध जो है देसी गाय का दूध पीजिएगा, देसी गाय का दूध पीने से ये होता है कि पेट की गैस नहीं बनती है। और खिचड़ी जो है वो हफ्ता में 3-4 बार खूब खाइएगा, सोयाबीन तेल खाइएगा, सोयाबीन। जिन लोगों को पेट में गैस बनता है उनको जो है राई यानी सरसों का तेल बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, जो लोग सरसों का तेल खाते हैं उन्हीं लोगों को तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसे ऐसे अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए हमेशा के लिए तो हमारे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है वो हमेशा के लिए आप लोगों के पास में मिलती रहे और खुशियां जो है आप लोगों को आगे पीछे हमेशा के लिए झूमती रहे। दोस्तों ऐसे ऐसे जानकारी अगर आप लोगों को होगी तो पेट में गैस नहीं बनेगा, अगर पेट में गैस नहीं बनेगा तो खाना पचेगा, सेहत भी बनेगा और जितना भी बीमारी होगी पेट के वो हमेशा के लिए अंत हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में कर दीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी हमेशा के लिए आप लोगों के पास में मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहें माता दुर्गा जी से मैं यही रिक्वेस्ट हर दम हर वक्त करता रहता हूँ कि आप लोग खुशहाल रहें, जहां भी रहें जिस हालत में रहें वहां अच्छे अच्छे खुशियां आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।